हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट टू लेके आया हूँ। यदि आप सभी ने नंबर सिस्टम का पार्ट वन नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यह नेवी MR SSR AA एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप के सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम चैप्टर तो वही आएगा, सिर्फ कंसेप्ट या क्वेश्चन अलग आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कंसेप्ट समझ जाइए तो क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए आप वीडियो डालते ही। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। तो दोस्तों, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 63। और यदि उसी संख्या को 29 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? इन सब क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, तो आपको सिंपली से सिर्फ जो शेषफल प्राप्त होगा ना दोस्तों, और जिससे डिवाइड देना होगा सिर्फ उसी को डिवाइड दे देना, आपका शेषफल निकल आएगा। तो ये किस तरह से होगा तो देखते हैं। 29 को हम 63 से डिवाइड देंगे तो 29 से कम 29, 29 दुनी 58, 63 में से 58 जाएगा तो कितना शेषफल बचेगा दोस्तों? 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, इन सब क्वेश्चन हम कुछ नहीं रखना, आपको ये ऊपर का तो देखना ही नहीं है, सिर्फ ये 63 और किससे डिवाइड देना और कितना शेषफल। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, स्टार का न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451, ये दोस्तों स्टार है, 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे 7, 8, 5, 9। तो ये किस तरह सॉल्व होगा पहले देखते हैं। संख्या दोस्तों हमारे पास क्या है? 451*603। दोस्तों आप सबको पता होगा कि 9 से विभाजित होने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, कि यह संख्या योग करने, इन सब के अंकों का योग करने पर वह 9 से डिवाइड हो जाती है, तो वह संख्या 9 से विभाज्य है। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें देख लेंगे यहाँ पे प्लस करके 4, 5, 9, 9, 1, 10, 10, 10, 6, 16, 16, 0 का तो कुछ नहीं होगा, 19 तो दोस्तों 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए 9 से विभाजित होने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाए तो यह 9 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। इसमें 19 में कितना जोड़ा जाए तो 19 में हम 8 जोड़ देंगे तो यह 27 हो जाएगा, और जो कि 9 से विभाज्य है, तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। तो इसको देख लेते हैं एक बार, 4, 5, 9, 10, 8 जोड़ देंगे हम तो 18, 18, 6, 22, 24, और 24, 3, 27। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर 8। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, रीड करते हैं क्वेश्चन को। 3 द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रामिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है, इनमें से लघुत्तम संख्या क्या होगी? दोस्तों कल भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन कराए थे इस तरह से। तो पहले ऑप्शन देखेंगे 18, 3, 12, 9। तो पहले 3 संख्याओं का योग क्या है दोस्तों? 45। एक संख्या का योग क्या हो जाएगा? 45 को 3 से डिवाइड दे देंगे तो एक संख्या का योग निकल आएगा, और ये जो संख्या निकलती है वो कौन सी संख्या होती है हमेशा? यह 15 बीच वाली संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, बीच वाली होगी तो हमारी लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगी? डिफरेंस देखना दोस्तों, सेम है, 15 बीच की हो गई, तो इधर से 3 इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिवाइड जाने वाली 12, और उसके आगे वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? 18। तो इन तीनों का प्लस करके आप देखोगे तो 45 आएगा, और इसमें अब दोस्तों आप बताइए कि इसमें लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगी? लघुत्तम संख्या मतलब छोटी संख्या दोस्तों। ठीक है, इसमें छोटी संख्या क्या है हमारी? इसमें छोटी संख्या हमारी है 12। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेष फल 4 है तो भाज्य है। ऑप्शन देखेंगे 36, 40, 12 और 30। तो दोस्तों किस तरह सॉल्व होगा? पहले आपको ये पता होगा, भाज्य इजिकल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल। आपने डिवाइड देते होंगे तो ये पता ही होगा, जैसे यहाँ हो गया दोस्तों, तो ये
एक सेकेंड दोस्तों। हाँ अब मैं बता दूँ, ये हमारा भाज्य होता है दोस्तों, ये भागफल होता है, ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा शेषफल होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए किस तरह सॉल्व होगा देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा भाजक क्या था, भाजक भागफल का कितना गुना था, 4 गुना, शेषफल कितना गुना था, 3 गुना, और शेषफल हमारा दोस्तों इसमें दिया हुआ था, इसमें शेषफल दिया हुआ है, हमारा शेषफल कितना है, 4, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया भाजक। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 3 भागफल है तो 4 गुना भाजक कितना होगा, 3 चौक 12, और शेषफल तो हमारा दिया ही हुआ था 4, तो सिंपली 12 + 36, 36 + 4 = 40, तो हमारा भाज्य निकल आएगा दोस्तों। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 40, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष फल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था तो दोस्तों और सही है, लेकिन इसमें एक चीज और आ गई है, इसमें वर्ग आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए 0, 1, 3, 2, तो सबसे पहले शेषफल का योग क्या, वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, शेषफल हमारा क्या है 3, ठीक है। तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, फिर 6 से सिंपली से जो संख्या पूछी है हमें डिवाइड दे देना और शेषफल निकल आएगा। तो 6 + 6 बचेगा कितना दोस्तों, 3 बचेगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, यदि *381, दोस्तों ये स्टार है, ठीक है दोस्तों, तो संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर अंक क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 0, 1, 5, 7, तो संख्या क्या है दोस्तों, *381, ठीक है दोस्तों। आपको एक चीज बता दूं कि इधर से दाएं से बाएं और इधर से सेकंड से थे, ठीक है दोस्तों। इसको दोनों को अलग प्लस करना है, बीच में माइनस करना है, तो 8 और स्टार हो जाएगा दोस्तों, 8 और स्टार प्लस कर देंगे इधर और इधर, 3 और 1 = 4, जैसे कि आप साइन देख सकते हैं। तो 3 + 1 = 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और 8 + स्टार, और 11 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 का टेबल में से आनी चाहिए संख्या। तो 8 में से 4 गया दोस्तों, कितना होगा, 8 में से 4 गया 4। अब दोस्तों कितने की ज़रूरत है जो 11 आ जाए या डिवाइड हो जाए, तो हमें 4 बचा है तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे, तो यह सिंपली 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 7, ठीक है दोस्तों। आपको समझ आ गया होगा, इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 74, 78, 80, 90, तो क्वेश्चन किस तरह होगा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, माना पहली संख्या x, माना दूसरी संख्या y, प्रश्नानुसार गुणनफल क्या दे रखा था दोस्तों, 1575, और भागफल क्या दे रखा है, 9/7। आप सोचा मैं x क्यों लगाया, यहाँ पे x इसलिए लगाया क्योंकि मैं 2 संख्या अलग अलग लिखता तो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती, तो इसमें कोई भी आप y मान ले या x मान ले, तो मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। तो इन भागफल का गुणा करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9x × 7x, तो 63x², 63x² का गुणनफल क्या दे रखा है दोस्तों, 1575, तो सिंपली 1x² का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, 25 डिवाइड दे देंगे सिंपल, तो 25 इधर स्क्वायर में, इधर हम इसको स्क्वायर रूट में कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों, 5, ठीक है दोस्तों। हमारी x की वैल्यू निकल आई और सिंपली हम यहाँ पे भागफल में जो हमने 9 × x किया था ना, तो दोस्तों x की जगह क्या रख देंगे हम, 5, तो 9 × 5 = 45 और 7 × 5 = 35, ठीक है दोस्तों। अब योग पूछा है हमसे, तो 45 + 35 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 80, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुल कितनी 3 अंकीय संख्या 6 से विभाजित होगी, नंबर 1 140 150 160 170, तो ये किस तरह से होगा दोस्तों देख लेते हैं। ये पहले दोस्तों देखना है कि 3 अंक की 100 डिवाइड होगी, 99 तो 2 अंक तक है, 100 6 से डिवाइड नहीं होगी, तो सिंपली सबसे पहले 102 डिवाइड होगा, फिर 108, 114, इसी सीरीज चलते चलते 3 अंक की लास्ट डिजिट क्या होगी दोस्तों, 996, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया था,
तो आप देख ये इस वीडियो को अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, वहाँ पे समझ नहीं आया होगा तो। तो सबसे पहले दोस्तों एक क्या हो जाएगा हमारा, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी तिरंग की 102, और लास्ट वाली कौन सी संख्या हो जाएगी 996, जिसको ए एन बोलते हैं। और इन दो सम डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, इस सम में डिफरेंस 6 का होगा, क्योंकि 6 से विभाजित पूछी तो 6 का डिवाइस। और यह सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला है एक संख्या निकालने का, ठीक है दोस्तों। सिंपली ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट ओपन एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। तो हम सिंपली वैल्यू रख देंगे सबकी, ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों 996, ए की वैल्यू 102, एन हमें निकालना है, और माइनस वन डी की वैल्यू क्या है 6। तो 996 इधर प्लस का 102 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 1996 में से 102 गए तो 894, इधर माइनस का 6 है दोस्तों, इधर प्लस का 6 हो जाएगा, 894 प्लस 6 कितना होता है 900, और यह अपॉन में है तो इधर बट्टे में आ गया दोस्तों, तो 900 को 6 से डिवाइड देंगे तो 150 आएगा, ठीक है दोस्तों 150 आएगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है दोस्तों 150। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्या है, देख लेंगे ऑप्शन नंबर 1, 27, 34, 24, 23। तो दोस्तों सिंपली 67 से लेके 101 के बीच में हमें भाज्य संख्या निकालना है, जो कि स्वयं से विभाजित होती है और दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है, और अभाज्य संख्या होती है जो कि एक से और स्वयं से विभाजित होती है, ठीक है दोस्तों। ये किस तरह से होगा देखते हैं, सबसे पहले संख्या निकालने का भी यहाँ पे एक है कि इस तरह से को संख्या निकालेंगे कैसे। तो 101 लास्ट वैल्यू क्या थी हमारी 101 माइनस 67, अब माइनस कर देंगे 1, ठीक है दोस्तों। डिफरेंस देखना है हमें हमेशा, इसमें तो संख्या है इसलिए डिफरेंस एक का है, ठीक है दोस्तों। डिफरेंस अलग होता तो यहाँ एक की जगह और कुछ भी लेते, ठीक है दोस्तों। तो 101 माइनस 67, 67 माइनस का है प्लस का 68, 101 में से एक 68 गए तो 33, और 33 तो संख्या निकल आई, लेकिन इसमें अभी अभाज्य संख्या भी है, तो हम अभाज्य संख्या देख लेंगे पहले 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये कुल कितनी संख्या है दोस्तों, ये कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 संख्या है दोस्तों। तो हम सिंपली भाज्य संख्या निकालने के लिए टोटल संख्या में से अभाज्य संख्या माइनस कर देंगे तो हमारा भाज्य संख्या निकल आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27, ठीक है दोस्तों। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 प्लस में दोस्तों 4 की पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है, 3, 11, 17 या 13, ठीक है दोस्तों। तो किस तरह करेंगे आज ही देखते हैं। तो 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, हमें इनमें देखना है कि कॉमन क्या है, इसमें सारे में क्या आ रही है। तो सारे में 4 के पावर 61 आ रही है, तो दोस्तों इसको बाहर रख लेंगे और सिंपली यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा 4 के पावर 1, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या पड़ेगा 63 है, यहाँ 61 है, तो 4 की पावर 2 बचेगा सिंपल से। तो इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, तो 1 का 1, 4 का 4, 4 चौक 16, 16 चार 20, 20 एक 21, तो 21 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब देखना है कि हम ये ब्रैकेट का मतलब ही गुना होता है, तो हम इसे गुना कर लेंगे, और देखना है कि 21 किससे विभाजित है, यह 3 से विभाजित हो जाएगा, 11 से विभाजित होगा नहीं, 17 से होगा नहीं, 13 से होगा नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह 3 से विभाज्य होगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगली वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।